A very good morning, students. Myself Sandhya Ray. I am going to teach S.S.T. Chapter Four, Weather and Climate. Weather means मौसम होता है and climate means जलवायु. जलवायु का मतलब ये होता है कि जिस area एक area क्षेत्र में किस तरह का वहाँ का atmosphere है वो देखा जाता है, ठीक? People live in different places in the world and follow varied lifestyle. लोग अलग अलग जगहों पे विश्व में लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवन शैली का उपयोग करते हैं की तरह से रहते हैं द फूड द फूड दे ईट वह कैसा भोजन करते हैं द क्लॉथ्स दे वेयर वे कैसा कप कैसे कपड़े पहनते हैं एंड द हाउस दे लीव इन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और कैसे घरों में रहते हैं ये अलग अलग जगहों पे जैसे जैसे जगह बदलती है उसमें विभिन्नता देखी जाती है दिस दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द वेदर ऑफ द प्लेसेज वेयर दे लीव और यह किस स्थिति में होती है यह मौसम की स्थिति के हिसाब से होती है मौसम वहाँ किस तरह का है उसी हिसाब से वहाँ के ड्रेस फूड्स एंड हाउसेज डिफाइन किए जाते हैं कि वो किस तरह के ड्रेसेस होने चाहिए क्या ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर और पृथ्वी एक पतली सी हवा की लेयर से चारों तरफ से घिरी हुई है और इसे हम क्या कहते हैं एटमोसफेयर जस्ट एज देअर आर लेयर्स इन साइड द अर्थ देअर आर ऑल्सो लेयर्स इन द एटमोसफेयर जैसे पृथ्वी के अंदर लेयर्स पाई जाती हैं वैसे ही पृथ्वी के ऊपर एटमोसफेयर में भी एयर की लेयरें पाई जाती हैं दीज लेयर्स हीट अप आर कूल डाउन और यह लेयर गर्म और ठंडी होती हैं एंड इंटरेक्ट विद द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट और यह प्रभावित करती हैं क्रस्ट के टॉप लेयर को पृथ्वी के टॉप लेयर को यह प्रभावित करती हैं दिस चेंजेस चेंजेज चेंजेज इन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस और इस कारण से ही ताप जगहों के तापमान में परिवर्तन देखे जाते हैं दैट इज वाई वी समटाइम्स फील कोल्ड एंड समटाइम्स हॉट ऐसा क्यों होता है कि किसी समय हमको बहुत ठंडी महसूस करते हैं किसी समय गर्मी टॉपिक्स टॉपिक्स वेदर वेदर इज द कंडीशन आर द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस किसी निश्चित स्थान पे ऑफ अ टाइम एट द पार्टिकुलर प्लेस उस टाइम में किसी निश्चित स्थान पे ओवर अ शॉर्ट टाइम एक निश्चित समय पर जो एटमॉस्फेयर, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर की क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करता है वेदर इज द कंडीशन वेदर क्या है एक स्थिति है और एटमॉस्फेयर भी वही एक स्थिति है और वह किस पे डिपेंड करती एक पर्टिकुलर स्थान पे किस स्थान पे किस तरह का वेदर है ये उस पर डिपेंड करती है ठीक इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम और यह समय के साथ बदलते रहती है इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज एट द हरिजन द वेदर इज प्लीजेंट सुबह में जब सूर्य क्षतिज अवस्था में होता है तो मौसम थोड़ा ठंडा सुहाना होता है एट नून व्हेन द सन साइंस व ब्राइटली एवब आवर हैड और जब सूर्य सिर के ऊपर दोपहर के समय होता है तब वेदर इज वेरी हॉट तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड अगेन इन द इवनिंग वैन द सन सेट्स और जब शाम को सूर्य ढलता है द वेदर बिकम्स प्लेजेंट फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता वेदर ऑफ अ प्लेस मे चेंज ईच डे और मौसम जगह पे पर डे बदलती रहती हैं

गोलार्ध में बट इट इज कोल्ड इन द साउदर्न एमोस्फेयर लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है वहाँ ठंडी होती है उस समय अप्रैल मई जून में इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी एंड फरवरी इट इज जस्ट द अपोजिट और दिसंबर जनवरी और फरवरी में क्या होता है उत्तरी भाग में ठंडी होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है ठीक इसके अपोजिट चेंजेज इन वेदर कंडीशंस गिव राइस टू सीजन और यह मौसम में बदलाव ही जो है वो मौसम में तेजी या कमी लाता है दे अफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज और यह हमारे रोज़मर्रा के गतिविधियों को भी प्रभावित करती है दे ऑल्सो अफेक्ट द क्लॉथ्स वी वेयर एंड फूड वी ईट और यह हमारे भोजन और कपड़े को भी प्रभावित करती हैं ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे अगली टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे आज के लिए इतना ही